संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर देश भर में ट्रैक्टर परेड निकालकर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर एहतजाज किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के जिम्मेदारों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ संविधान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी के नारे लगाते हुए एंटी कैडल स्लॉटर एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया है। गुलबर्गा शहर से भी किसान लीडर्स ने ट्रैक्टर परेड निकालकर गुस्सा जाहिर किया है। तमाम किसानों ने कहा बीजेपी हुकूमत को एंटी कैडल स्लॉटर एक्ट को वापस लेना होगा, जिसके जरिए किसान अपने जानवर बेचकर अपने लिए कुछ राहत हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान नेताओं ने कहा बीजेपी हुकूमत ने 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर बजट को इस्तेमाल किए बिना इस बजट को वापस लिया है, जिससे ये साबित होता है कि बीजेपी हुकूमत किसान विरोधी है। और इसके अलावा मजीद किसान नेताओं ने क्या कहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के मौके पर आज ऑल इंडिया किसान सभा जो थ्रूआउट इंडिया आज एक ट्रैक्टर परेड किया, उसी के संबंध में वही प्रोग्राम वही एहतजाज जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ किसान लगातार कर रहे हैं। आज गुलबर्गा में भी गंज अहमदाबाद सर्कल से निकलकर ट्रैक्टर परेड यहाँ जगत सर्कल बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के पास पहुंचा। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की जनता को यह तय करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की रक्षा कैसे करें। जिस तरीके से बीजेपी संयुक्त गवर्नमेंट पिछले 9 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म करते आ रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को कैसे बचाना है, आज इस भारत की जनता के आगे सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हम भारत के लोग, हमको ये शपथ लेना है कि संविधान की रक्षा अगर हमको करना है तो ये संविधान विरोधी बीजेपी सरकार को पहले भगाना है। ये जग जाहिर बात है, सारे हिंदुस्तान को पता है, जब संविधान अपनाया जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा था, तो यही मनुवादी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने संविधान का विरोध किया था। आज वही संविधान विरोधी जो सत्ता में बैठे हैं संविधान को खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और खत्म करके आ रहे हैं। ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि जिस तरीके से सरकार ये डिसाइड कर रही है कि देश की जनता क्या खाएगी क्या पहनेगी, जबकि संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फूड, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फूड खुला बोल दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारी जनता के, हमारे देश की जनता के, कि सरकार ये चीजों में दखल नहीं दे सकती। राइट टू चॉइस ऑफ रिलीजन ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ये तय करेगी कि कौन सा आदमी कौन से धर्म में रहेगा। उसके लिए एंटी कन्वर्शन लॉ, उसके लिए एंटी कैटल स्लॉटर लॉ, ये जिस तरीके से संविधान विरोधी कानून ला रहे हैं, इसका नतीजा ना सिर्फ देश की जनता को, इसका सबसे बड़ा नुकसान इस देश का किसान झेल रहा है। एंटी कैटल स्लॉटर लॉ लाने का मतलब यह है कि किसान अपने जानवर नहीं बेच सकता। अगर भारत में जैसे बीजेपी बताती है कि गौ एक धार्मिक जानवर है, तो गौ के कई ब्रीड हैं, कई वैरायटी है, तो बीजेपी सरकार पहले वो आइडेंटिफाई करे कि वो कौन सी गाय धार्मिक है, उसको आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करे। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सबकी माँ एक ही होती है, पिता एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे जितने गाय के वैरायटी है उसमें कौन सी गाय की ब्रीड वो धार्मिक है, उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज जैसे कर्नाटका में अकाल पड़ा है, किसान बदहाल है,
किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे वक्त में किसान अपने जानवर बेचकर कुछ अपने लिए राहत ले सकता था, लेकिन वो भी एंटी कैटल स्लॉटर लॉ के तहत वो भी रोक दिया गया। और सबसे बड़ा किसान विरोधी नीति जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट करी है, 1,00,000 करोड़ का अनयूटिलाइज बजट बीजेपी सरकार ने वापस लिया है, जबकि किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को अकाल का त्रासद झेलना पड़ रहा है, किसान की फसल तबाह हो गई, किसान बरगाल झेल रहा है। ऐसे वक्त में 1,00,000 करोड़ किसानों का बजट बीजेपी गवर्नमेंट वापस ले, वापस लेकर इसका नतीजा ये है कि फिर किसानों का एग्रीकल्चर बजट कट कर रही है। तो ये जन विरोधी किसान विरोधी बीजेपी गवर्नमेंट को इस वक्त भगाना जरूरी है। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, किसानों को बचाना चाहते हैं, ये हमको शपथ लेना है कि बीजेपी सरकार को भगाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open. Contact for details.